अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है ऑडी, ऑडी Q7। सेवन सीटर ये वहीकल होती है, 12 मॉडल है, 13 की इंपोर्ट है ऑलरेडी ऑडी की। इंतहाई खूबसूरत गाड़ी, सेवन सीटर में आपको ऑडी में बहुत कम ऑप्शंस मिलती हैं। आए इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप फ्रंट लाइट्स को देखें ऑडी की, तो इसमें आपको SMDs लगी नज़र आ रही है, इसके साथ साथ डेल एम भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, और मिड में आपको आईबॉल नज़र आएगी। नॉर्मली ऑडी के अंदर आईबॉल्स बहुत कम नज़र आती हैं। इसी के साथ अगर आप नीचे देखें तो आपको जहां फॉग लैंप की जगह बनी होती है वहां पर आपको डे लैंप्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसके फ्रंट बम्पर की बात करें तो फ्रंट बम्पर इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, ग्रिल है और ये ब्लैक क्रोम और सिल्वर क्रोम में डिज़ाइन की गई है, और इसी के अंदर आपको नंबर प्लेट लगी हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ बिल्कुल नीचे देखें तो आपको फ्रंट कोलिजन रडार भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। राइट और लेफ्ट पे स्पॉटेड फॉग लैंप्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर क्रोम फिटिंग्स भी नजर आ रही है। ऑडी Q7 के अगर हम रिम्स की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये 18 के रिम के साथ आती है। अगर हम ऑडी Q7 का साइड व्यू देखें तो बड़ा खूबसूरत कॉम्पैक्ट किस्म की जीप आपको खड़ी हुई नजर आती है। इसके डोर्स के ऊपर आपको क्रोम्स की फिटिंग नजर आ रही है जो कि आपके डोर्स के बिल्कुल नीचे पैनल के साथ चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो इसमें भी आपको क्रोम की फिटिंग नज़र आ रही है। ये कीलेस एंट्री के साथ और पुश स्टार्ट के साथ गाड़ी होती है। अगर आप इसके साइड मिरर्स को देखें तो ये रिट्रैक्टेबल है और इसके अंदर आपको बारीक से इंडिकेटर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसके डोर्स को देखें तो डोर्स और विंडोज़ के दरमियान में आपको क्रोम की ट्रिम्स भी लगी हुई नज़र आ रही है, जिससे गाड़ी की लुक मज़ीद इंक्रीज हो जाती है। और अगर रूफ़ को देखें तो रूफ़ के ऊपर आपको रूफ बार लगी हुई नज़र आ रही है, जो कि गाड़ी के कलर से मोस्टली ऑपोजिट होती है। इसमें सिल्वर कलर की डिज़ाइन की गई है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, उससे गाड़ी की लुक और भी ज़्यादा रिच और ह्यूज लग रही है। Q7 की अगर आप बैक स्क्रीन देखें तो इस पर आपको ऑलरेडी इम्बेड हुआ हुआ नज़र आएगा इसका वाइपर, और इसी के साथ ऊपर एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा स्पॉइलर लगाया हुआ है इन्होंने, जो बाय डिफॉल्ट गाड़ी के साथ फिटेड आता है। इसके अंदर आपको बैक लाइट इम्बेड हुई नज़र आ रही है, इंतहाई खूबसूरत लुक है। और इसी के साथ अगर बम्पर को बिल्कुल नीचे लोअर लिप के साथ आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एज ए रडार भी काम करते हैं। जैसे कि आप मेरी हर वीडियो में देखते रहते हैं, जितनी भी जर्मन बेस्ड गाड़ियां होती हैं उनका ट्रंक बैक से ओपन होता है। यहाँ पर इसका टच लगा होता है, आप इस टच को क्लिक करें और आपकी ट्रंक ओपन हो जाएगा। अगर हम इसकी ट्रंक स्पेस की बात करें तो बड़े आराम से इसमें आप 5 से 6 बड़े लगेजेस रख सकते हैं। अगर जो बैक की दो सीट्स हैं उसको आप डाउन रखें, और अगर हाँ इनको आप खड़ा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप बड़े आराम से 3 बड़े लगेजेस रख सकते हैं। इसकी ट्रंक स्पेस बहुत मज़े की बनाई गई है। लेकिन अगर हम स्पेशियस की बात करें तो ऑडी Q7 बड़ी स्पेशियस बनाई गई है। अगर इसकी हम बॉडी को देखें तो बॉडी प्राडो या क्रूजर की तरह भरी नहीं लगती, लेकिन जो इसका इंटीरियर बड़ा स्पेशियस है। इसके अलावा ट्रंक में आपको बंद करने के लिए पावर बूट भी मिलता है, आप यहाँ से बटन दबाएं ये ट्रंक बंद हो जाएगा इसका। Q7 के इंटीरियर को देखें तो इंतहाई खूबसूरत बेज रूम के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन में इस्तेमाल लगाया गया है, इंतहाई खूबसूरत चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं। इसमें आपको ग्रे, बेज और ब्लैक का डिफरेंट कम्बिनेशन मिलेगा, प्लस इसमें के अंदर आपको क्रोम फिटिंग्स भी मिलेंगी। इसके साथ साथ वुडन इंटीरियर भी आपको नज़र आ रहा है जगह जगह। अगर आप राइट साइड के डोर को देखें तो यहाँ पर आपको पावर मिरर के कंप्लीट कंट्रोल्स मिलेंगे, इसके साथ साथ रिट्रैक्टेबल के भी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर हम इसके स्टेयरिंग की बात करें तो लेदर स्टिच है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत हैंडी है, बहुत मज़े का है पकड़ने में। मल्टीमीडिया कंट्रोल इसके ऊपर आपको मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल, अडॉप्टिव कंट्रोल, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ लेन असिस्ट की ऑप्शन भी मिलती है और ब्लूटूथ की सारी ऑप्शन भी इसमें मिलती हैं। इसके साथ साथ जो फ्रंट आपका डिस्प्ले है स्पीडोमीटर का, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें फिटिंग्स की बात करें तो इसके सिल्वर क्रोम हैंडल्स हैं इसके, इसके साथ साथ आपको डिफरेंट क्रोम फिटिंग्स भी नज़र आ रही हैं, जिसमें डक्ट्स भी शामिल हैं और डिफरेंट स्मॉल फिटिंग्स भी शामिल हैं, जो कि क्रोम सिल्वर क्रोम में डिज़ाइन की गई हैं। इसके साथ साथ ब्लैक गार्निश क्रोम की फिटिंग्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ऑटो कंट्रोल लाइट के फीचर्स आपको मिलते हैं, जो कि ऑटो डिम ऑप्शंस के साथ है। ऑटो रेनिंग सेंसर ऑलरेडी इनमें इंस्टॉल्ड है। Q7 में आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, इसके साथ साथ इसकी सीट्स हीटिंग एंड कूलिंग सीट्स की ऑप्शन भी इसके अंदर आती है। 7 फॉरवर्ड गियर के साथ ही आती है, ऑटो ट्रांसमिशन भी है, इसको ऑटो भी चला सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं। मल्टी फंक्शनल स्पीडोमीटर है इसका, आपको इसमें एनालॉग की सेटिंग्स भी मिलती हैं, इसके साथ साथ आपको डिजिटल सेटिंग भी इसके अंदर मिलती है।
सिक्स टू एट एयरबैग्स इसके अंदर आते हैं। कप होल्डर्स की ऑप्शन दी गई है जो कि गाड़ी के अंदर भी मिलती है और आपको डोर के अंदर भी कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। साइड कंसोल इंतहाई खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, इसमें आपको बेज लेदर की फिटिंग भी नज़र आ रही है। अगर आप फ्रंट डैशबोर्ड को देखें तो फ्रंट डैशबोर्ड पे आपको राइट साइड पे भी डिफरेंट कंट्रोल्स मिलते हैं, इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पे भी इसके डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। Q7 में बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूल एसी आता है, बैक साइड के एसी के सारे कंट्रोल्स आपको बैक सीट के पीछे मिल जाते हैं। अगर हम लेग स्पेसिंग की बात करें तो Q7 की लेग स्पेसिंग बहुत मज़े की है। अगर आपकी हाइट 6 फुट या 6 फुट से ज़्यादा है तो बड़े आराम से आप आगे और पीछे बैठ सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें Q7 की तो इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है, इंतहाई रिच लुक है, मल्टी कलर्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, लेदर स्टिच के साथ, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के साथ, इंतहाई खूबसूरत गाड़ी है। आप कोई भी जर्मन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, चाइनीज़, जापानीज़ या ख़ुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, या इवन आप लोकल गाड़ी भी परचेज करना चाहते हैं, तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू।